देखो देखो, पहला ही कमेंट है कि सर आपकी बुक कब आएगी स्टैटिक। जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत है, और अन अकेडमी समर्पित है अपने बेहतर क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए। और हमने आपको अनाउंस किया था, फिर बता दे रहे हैं, संडे को आप दोपहर को 12 बजे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अन अकेडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। आप लोग भी ट्राई करें इस बार। मतलब क्या होता है कि ऐप खोल करके सामने 40 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 40 मिनट में, मिक्स्ड किसी भी सब्जेक्ट का, आपको क्या टेंशन है। आप लोग को भी डरे तो कोई दिक्कत नहीं, और मारिए और सीधे एक एक साल का स्कॉलरशिप लीजिए। क्या करेंगे, बाकी भाइयों को सपोर्ट करेंगे या? हाँ, मुझे दे देंगे। मैं तो चाह रहा हूँ कि सारा का सारा हमारे पास ही है। हाँ, हम लोग हैं आपके साथ। तो ये तो आप ये कर सकते हैं कि संडे को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप के तहत अन अकेडमी के फ्री कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। और हर वेडनेसडे को अन अकेडमी नए नए बैचेज अनाउंस कर रहा है, तो आप अपने पसंद के टीचर्स के साथ जुड़ सकते हैं, और कोई जानकारी होगी तो और बीच में प्रोवाइड करेंगे। आज हमने वादा किया था कि आपसे एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और आज हम सी पोर्ट डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे माध्यम हैं, एयरवेज, हाईवेज, रोडवेज, सी वेज। तो इसमें से चीपेस्ट माध्यम कौन सा है? सी पोर्ट, या वाटर वे को बोलते हैं हम, सबसे सस्ता माध्यम। वाटर वे, जल मार्ग को हम सबसे चीपेस्ट बोलते हैं। अब हमारे काम का क्वेश्चन क्या है? वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है, जल स्टेट लिस्ट का मैटर है, इसीलिए हमेशा राज्यों के बीच विवाद होता रहता है। अभी एक नया प्रपोजल आया है कि वाटर को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि सेंटर भी उसमें पार्टिसिपेट करके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। आर्टिकल 263 के तहत हम रिवर ट्रिब्यूनल बनाते हैं, नदी प्राधिकरण। जनरली किसी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो कहाँ सेटलमेंट होता है? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन किसी स्टेट के बीच में रिवर से डिस्प्यूट होगा तो वो कहाँ सेटलमेंट होगा? रिवर ट्रिब्यूनल में। बहुत सारे रिवर ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। किस दिन रिवर टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस दिन हम उसको डिस्कस कर लेंगे। हमारे काम का क्वेश्चन क्या है? सी किसके लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में? तो सी साथियों दो तरीके का होता है, ये सॉरी सी पोर्ट। एक तो होता है लार्जर पोर्ट, बृहद। लार्जर पोर्ट अभी हमारे पास 12 है, बीच में 13 हो गए थे। पोर्ट ब्लेयर को 13वें नंबर पे शामिल कर लिया गया था, अभी फिर वापस हटा दिया गया है उस कैटेगरी से। तो लार्जर पोर्ट जो आते हैं, बृहद बंदरगाह, ये आते हैं यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में। और एक होता है मीडियम और माइनर, लघु। जैसे सबसे ज्यादा माइनर पोर्ट महाराष्ट्र में है, लघु बंदरगाह, लेकिन सबसे बड़े लार्जर पोर्ट कहां पे है? तमिलनाडु में, आज सीखेंगे हम। तो ये आता है साथियों स्टेट लिस्ट में। तो ये तो हो गया कि बृहत बंदरगाह कहां पे? यूनियन लिस्ट में। और माइनर और स्मॉल लिस्ट कहां आएंगे? स्टेट लिस्ट में होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का सी पोर्ट कितना बड़ा है, यानी कोस्टल एरिया कितना बड़ा है, सबसे ज्यादा किस राज्य के कोस्टल एरिया है, वर्ल्ड में भारत का कौन सा नंबर है कोस्टल एरिया के नाम पर, विश्व में कौन सा देश है जिसके पास सबसे नंबर वन कोस्टल एरिया है? कनाडा। गुड, नहीं पता होगा तो लिखना है कि लार्जर कोस्टल कंट्री जो है कनाडा है। और भारत का जो कोस्टल एरिया है वो कितना है ये लिख लेना है। कोस्टल लेंथ ऑफ इंडियन इंडिया इज, भारत का कोस्टल तटीय क्षेत्र, तटीय लंबाई 7516.5 किलोमीटर, लगभग वो ओवरऑल 15,000 है और 7,000 ये है, तो लगभग हाफ पड़ता है, 22 पॉइंट कुछ बनता, मतलब इसको जोड़ देंगे तो। और इसमें ध्यान रखिएगा वो सी क्या, हमारे द्वीप आइलैंड्स भी इंक्लूडेड हैं, इनको छोड़ने के बाद लगभग 6100 कुछ बनता है। हाँ दे रखा है ना, 5400, 1100, मतलब उतना ही बनेगा लगभग। तो हमारे पास है कि टोटल कितना है, और सी और इसमें वो आइलैंड्स हमारे इंक्लूडेड है। चले, और हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन आया और ये पूछ लिया अभी कि भारत में कौन सा पोर्ट ट्रस्ट एक्ट कार्य करता है।
किस अधिनियम के तहत सी पोर्ट्स को रेगुलेट करते हैं? तो पोर्ट्स एक्ट 1963 के तहत रेगुलेट किया जाता है, पोर्ट ट्रस्ट एक्ट अधिनियम 1963। इसी तरीके के क्वेश्चन अब टीसीएस ने पूछने शुरू कर दिए। लिख दिया यहां तक। चलिए, भारत का जो कोस्टल के मामले में लेंथ है वो कौन सा है? 18th नंबर पे है, तो लिख लेंगे इंडिया हैव 18th पोजीशन इन द मैटर ऑफ कोस्टल लेंथ। भारत का तटीय लंबाई के मामले में 18वां पोजीशन है, वर्ल्ड में सबसे नंबर वन कौन है? कनाडा। और एशिया में सबसे नंबर वन कौन है? इंडोनेशिया है, चाइना नहीं, इन वर्ल्ड कनाडा एंड इन एशिया इंडोनेशिया, लिख दिए। और भारत का ओवरऑल पोजीशन 18th। अब देखो इस चैप्टर से तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। विच वन इज द ईस्टर्न सीपोर्ट और विच वन इज द वेस्टर्न सीपोर्ट, एक तो ये आता है। दूसरा विच वन इज द आर्टिफिशियल एंड विच वन इज द नेचुरल। आज हालांकि ये 15-20 मिनट का टॉपिक एमसीक्यू भी हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। और कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा डीपेस्ट सीपोर्ट या ओल्डेस्ट सीपोर्ट, लार्जेस्ट सीपोर्ट, तो वो हम एक एक करके सीखने वाले। ये हमारा है जो कोस्टल स्टेट है, काउंट करके देखो तो कितने हो रहे हैं कोस्टल स्टेट हमारे? 9 हो रहे हैं क्या? ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट होना चाहिए, यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। 9 है क्या? 9 है, तो नहीं पता हो तो लिख लेना है। यहां गोवा भी है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, किधर कितने हो गए? 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 9 हो गए, 5 वेस्टर्न पार्ट में और 4 ईस्टर्न पार्ट में, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे लंबा कोस्टल एरिया पूछा जाता है तो गुजरात का, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का, तो इसी तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, कच्छ कौन सा एरिया है, काठियावाड़ कौन सा एरिया है, कोंकण कोस्ट कौन सा है, मालाबार कौन सा है, कोरोमंडल कौन सा है, नहीं पता हो तो बना लेना है, ये आता रहता है। एसएससी का यदि हम पेपर देखें, टीसीएस जब चाहिए, फिजियोग्राफी से एक क्वेश्चन फिक्स है, इंडियन फिजियोग्राफी से एक क्वेश्चन पक्का है, मतलब गारंटी है, चाहे कोई सा पेपर रहा हो। तो बीच में जरूरत पड़ेगा तो एक आध दिन, हालांकि 5-6 क्लास लिया है हमने इस पर, जो फिजियोग्राफी पे इसी आधार पे आएगा वो भी, जब हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताएंगे तो वहां पे बताएंगे तीनों रेलवे स्टेशन। कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार याद रहेगा, इधर कोरोमंडल। चले, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, गुजरात 9 राज्यों का नाम हमने देख लिया, और अंडमान निकोबार कहाँ पे और लक्षद्वीप कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक। चले, गुजरात है द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये हम सीख चुके हैं। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है। चले, महाराष्ट्र 720 किलोमीटर, हर स्टेट का हमें जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंटेंट में हमने डाल दिया है ताकि आपको पढ़ने का मन करेगा, हमें 9 के 9 जानने हो तो हमने सारे डाल रखे हैं, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना। ये हमने मैटर वाइज आपको दे दिया है, केरल 5वें नंबर पे है, मालाबार में कौन कौन सा आएगा, क्या क्या के लिए फेमस है। हमें सीधे आ जाना है कहां पर? इस पर। यह आपको मैप बना करके ऐसे एक बार लिख लेना चाहिए कि कांडला कहां पर, गुजरात वाले में, महाराष्ट्र वाले में, गोवा में, कर्नाटक में और केरल में। ये यदि याद हो गया तो एग्जाम में आसान हो गया। अभी इनके कुछ कुछ नाम बदले हैं। कांडला का क्या नाम दिया है? दीनदयाल उपाध्याय। इधर आएगा अभी कोलकाता वाला, क्या नाम दिया है उसका? श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा, कौन सा भारत का पहला और एकमात्र प्राइवेट ओनरशिप में, इसमें तो है ही नहीं, इसमें आएगा, वेस्टर्न में तो है ही नहीं, ईस्टर्न में आएगा।
तमिलनाडु वाले में। तो पहला है, ये पांचों का नाम लिख लिए, छह का नाम लिखना है आपने, कांडला गुजरात। हालांकि हम एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं, कांडला गुजरात, मुंबई, नवा सूबा भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मर्मागांव, गोवा, मंगलोर, कर्नाटका और कोची, केरल। सर स्टैटिक जी के कंप्लीट बुक कब तक आएगी? उन्हें यहाँ टूट जाता तो पूछते हैं कि कैसे टूटा था, आदमी फाइनली लिख देता है कि सीढ़ी से गिर गया था, बार बार मत पूछो। तो ये इस महीने के लास्ट तक दे देंगे पक्का, गारंटी के साथ। और आप में से तीन चार लोग दे दो साथ, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि जल्दी हो जाए। जैसे आप पढ़े होंगे तो आपको कुछ एरर भी मिला होगा। हाँ वही तो वो चीज़ है। हाँ आप भी आ जाओ, दो तीन दिन देना है। मतलब लास्ट टाइम भी बच्चों ने सपोर्ट किया था, तो हम मैथ की बुक बहुत जल्दी लेके आ गए थे। तो मैथ का लब हमने निपटा दिया है जीएस में। और ऐसा नहीं कि आप मेरे लिए कर रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हैं। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, कई बार हम घर घूमने चले जाते हैं, लेकिन जिनकी योग्यता हो वही आना। योग्यता का मतलब क्या, जो मन से चाहते हो कि हमें पढ़ना चाहते हो, ये नहीं कि ठीक है यार दे दिया तो कर ले, तो ऐसा नहीं। संडे को पराठे, और जो आपने दूसरा वो प्रोडक्ट मांगा है वो पक्का डन। हेडिंग डालिए कांडला, ये तो हमने लिख ही दिया कहाँ पे कौन से राज्य में, तो या तो ये इतना तो मैप आपको आइडिया रहेगा ही रहेगा। हाँ, भारत का एकमात्र टाइडल पोर्ट है, ज्वारी बंदरगाह है, कांडला पोर्ट। खूब आता है क्वेश्चन। हाँ टाइडल पोर्ट, अगर यदि आपने टाइड्स और एप्स पढ़े होंगे, ज्वार भाटा, तो आप देखते होंगे कि ऐसे समझिए। काश मैं इसका वीडियो दिखा पाता, नहीं यूट्यूब पे तो है, मैं पढ़ाऊंगा अभी, टाइड और एप तो देखेंगे। जैसे ये वाला हिस्सा मान लो तटीय क्षेत्र है, तो ज्वार आएगा तो क्या होगा, पानी ऊपर उठेगा, तो पानी ऊपर उठेगा तो यहां पे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। अब क्या था कि यहां पानी कम था, तो हैवी शिप नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वो जड़ में मिल जा रहे थे। तो अब यहां पे शिपिंग नहीं हो पा रही है, तो ज्वार आने की वजह से अचानक यहां पे पानी की मात्रा बढ़ जा रही है। तो अब इसी के मदद से क्या होगा, शिप आ जाएगा, एक पार्टिकुलर टाइम तक रहेगा, टाइम फिक्स है, 6 घंटे 52 मिनट का कॉन्सेप्ट हम सिखा देंगे आगे करके। तो उस पार्टिकुलर टाइम पे इससे सामान उतार लिया जाएगा और या लोडिंग कर लिया जाएगा, और फिर ये इसी के साथ चला जाएगा, और फिर ये जगह फिर तलछट जैसा हो जाएगा। बहुत सारे जगहों पर है, तो भारत में एकमात्र पोर्ट जो टाइडल पोर्ट है वो हमारा कांडला पोर्ट है, ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। तो चलें, पहला पॉइंट ही हमने लिखा था कि भारत का पहला टाइडल पोर्ट। ये सब पॉइंट, ये इसके महत्व को बढ़ाने के लिए ये सब पॉइंट नहीं लिखना है। जब भी पढ़ेंगे तो वो बोलेगा कि ये बड़ा है, ये ऐसे बड़ा है, वैसे बड़ा है, जहां बोलूंगा वही लिखना है। ये गलत भी नहीं है, ये सही भी है, लेकिन इतना हमें गहराई में नहीं जाना है। कहाँ पर है, तो हमने कहा गल्फ ऑफ कच्छ में। ये क्यों बनाया गया, तो कराची पोर्ट चला गया पाकिस्तान, तो हमारे लिए दिक्कत होने लगा, तो ऐसी स्थिति में हमने बनाया। तो सोच के देखो, ये आर्टिफिशियल होगा, नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल, तो लिख लें अगला पॉइंट, इट इज आर्टिफिशियल पोर्ट। नहीं, बस पहला टाइडल पोर्ट और दूसरा आर्टिफिशियल पोर्ट। कराची पोर्ट से का जो लोड, वो कराची उधर चला गया तो हम पे लोड आने लगा, तो हमने एक अपना पोर्ट बना लिया। एंड इट इज न्यू नेम ऑफ द कांडला पोर्ट इज दीनदयाल उपाध्याय। कोई बात नहीं, तो पुराना नाम है, आप दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट लिखेंगे, मोदी जी ने नया नाम जो दिया है वो लिखिए। नाम बदल देंगे, काम करें ना करें नाम बदल देंगे। आपको मैं कल से इंस्पेक्टर करने लगूँ कितना अच्छा लगे, आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे ही करोगे। इसलिए दुनिया में किसी ने मुझे इंस्पेक्टर कहा, सर ने पहले दिन इंस्पेक्टर कह दिया, तो ये आदमी सिर्फ मेरे लिए काम करता है। तो ऐसे लोग इमोशंस के साथ खेलते रहते हैं। मान लो इनको जॉन अब्राहम कह दे, तो ये इनको लगा मैं ही हूँ, तो ये वाला पॉइंट है। तो सरकारें इस चीज को अच्छे से समझती हैं। योगी जी का तो चलता ही है कि नाम बदलना है तो योगी जी संपर्क करें। हाँ, वो तो खतरनाक ही एग्जाम्पल देते हैं, उनसे डिबेट में नहीं जीत सकते आप। नहीं, जब आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना,
आत्मबल जिसे कहते हैं, तो आप बड़े बड़े डिबेट और बड़े बड़े चीजों पर, लेकिन वो कब आता आत्मबल, जब आप अपना काम ईमानदारी से करने लगते हैं। कहते हैं कि जो विरोध होता है, क्रांति होती है, वो मरे हुए लोग नहीं करते हैं, जिंदा लोग करते हैं। और जिंदा होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने प्रति ईमानदार होना पड़ता है। नहीं संबित पात्रा नहीं, बहुत सारे लोग, हाँ चले। एक पॉइंट यहां पर और आ गया। फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया, भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी कांडला पोर्ट ही है। तो लिखो फिर उसका मतलब समझाएंगे। कल की क्लास का एमसीक्यू नहीं हुआ, होगा होगा, सब एमसीक्यू होगा, सारा का सारा। फर्स्ट सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? दुनिया में जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है, वो बना है चाइना में, और इंडिया में जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है, वो बना है कांडला में। क्या होता है? तो जब आप दिल्ली से सोनीपत आ रहे थे, तो आपने देखा होगा बीच में एक राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पड़ा होगा। हालांकि जब से किसान बैठ गए, तब से ध्यान इधर उधर जाता ही नहीं, यही लगता है कब पहुंच जाए। तो वो क्या है? तो ये एक प्रपोजल था कि हम एक ऐसी सिटी बनाएंगे जहां पे इंडिया के सारे टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आकर के रहेंगे, और बच्चा आकर के वहां पढ़ेगा। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो उस एजुकेशन को डेवलपमेंट मिल जाएगा, और बच्चे को भी वो सुविधा वहां पे मिल जाएगी। तो मैं पूछूंगा एज ए इंस्टीट्यूशन कि मैं क्यों आऊं, मुझे क्या फायदा होगा, मैं तो यहां पे चला रहा हूं। तो उन्होंने कहा जी आप आओगे तो आपको टैक्स में छूट देंगे, आप आओगे तो आपको एजुकेशन के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए 24 घंटे बिजली दे देंगे, आपको सस्ते दर पे हम लैंड अवेलेबल करा देंगे। तो मुझे कहा ये तो अच्छी बात है। तो एज ए इंडस्ट्री मेरा भी ग्रोथ हुआ, और बच्चों को भी एक जगह एक सारी चीजें मिल गई। और तीसरा, उसके आसपास की जो लैंड होगी उसकी भी रेट बढ़ेंगे, उसके आसपास के रहने वाले लोगों को भी रोजगार मिल रहा होगा। अभी अपन लोग लगभग 200 लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, यदि आप देख रहे होंगे, चाय वालों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है ना। तो वो ना चाहते हुए भी रोजगार मिला, मैं कितना भी रोक लूं, लेकिन वो मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा भारत में आया था कि हम सेज बनाएंगे। सेज इज द बेसिकली, यहाँ पे देखो एक वर्ड और है, ईपीजेड कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सेज वास्तव में बना नहीं था, शुरू में बना था यहाँ पर ईपीजेड ही। ईपीजेड का क्या, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जाए, और वहां पर एज इट इज फॉरेन में मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जनरली हम टैक्स छूट में छूट देते हैं, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल करा देते हैं। तो इंडस्ट्री वाला भी मोटिवेट हो जाता है, और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हम ग्रोथ कर लेते हैं। तो हमारे लिए तीन क्वेश्चन हो गया, पहला सेज, पहला कांडला पोर्ट और नया नाम और आर्टिफिशियल। क्लियर है यहाँ चारों पॉइंट? बस हमने कहा कि विश्व का पहला सेज चाइना में बना था, जबकि सच्चाई की बात यह है कि भारत ने सेज का कॉन्सेप्ट दिया था, नहीं भारत इसको लागू नहीं कर पाया था। चलें अगला लिखें, मुंबई। मुंबई ये भी नेचुरल पोर्ट हो गया, देख लेंगे नेचुरल पोर्ट। और ये मेन है हमारे पॉइंट पॉइंट है, बड़ी कंफ्यूजन रहता है, हर सबके आगे लिखा रहेगा लार्जेस्ट कौन सा, तो बोलेगा ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट बिजिएस्ट, वही तो मैंने कहा था कि हर जगह कुछ बीच भी लिखा रहेगा, आप उसको मानिएगा नहीं, जो मैं बताऊंगा वही मानिएगा। जैसे नहीं, इनको कहेंगे कि सबसे अच्छे बालक हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको कहें ये बहुत ही अच्छे बालक हैं, इनका जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो कोई एक ही होगा, तो वही वाली बात है। तो ये हर किसी का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि हाँ ये बिजिएस्ट है, ये भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करता है, लेकिन उसमें सबसे टॉप पे कौन है? तो ये अब ये इन इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो इन्हीं के सपोर्ट के लिए हमने एक और पोर्ट इस्टेब्लिश किया है। कौन सा दिख रहा है क्या? नवासोवा। तो ये अभी आगे आ जाएगा, वो भी महाराष्ट्र में गांव है बेसिकली मुंबई के पास नवासोवा, तो वहां पे बनाया गया। तो सोच के देखो, आर्टिफिशियल होगा नेचुरल होगा? आर्टिफिशियल होगा। तो अगला हेडिंग डालो, नवासोवा। सेकंड
सर टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पूरे गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको बहुत सारा शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप माँ बाप के सपने को साकार करें और अगले बर्थडे पे आप गिफ्ट भेज पाए, नहीं सारे गुरुकुल को, गुरुकुल के बच्चों को, कि मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया, माँ बाप ने जो सपना देखा था वो हमारा साकार हो गया। बहुत छोटी सी तो इच्छा है हमारे बच्चों की, एक जॉब में लग जाए। हाँ नहीं, क्यों ज्वाइन कीजिए, आज तक किसी को नहीं कहा मैंने, आपने कभी कॉल भी किया हो तो हमने कॉल बैक भी नहीं किया होगा, हम उठाते तक नहीं, हम क्यों कहें ज्वाइन कीजिए। हाँ आप आ जाते हैं तब हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, ये कहना है तो गलत हो जाएगा। अन अकेडमी ज्वाइन कीजिए, खूब पढ़िए और भारत के सारे टॉप एजुकेटर से पढ़िए ये। हाँ, ये चलेगा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, हालांकि बाद में ईस्ट वाले में आऊंगा तो फिर एक बार ये वर्ड यूज करूंगा। नहीं, आर्टिफिशियल है ये। हाँ, आर्टिफिशियल, इसका दूसरा नाम लिख लेना, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। हाँ, वो सब वर्ड मत लिखिएगा क्योंकि मुंबई वाला भी लार्जेस्ट कंटेनर है, कांडला वाला भी कहेगा मैं लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। मुंबई जब मैंने कह दिया सबसे बड़ा है तो जनरली वही रहेगा सबसे बड़ा, मुंबई महाराष्ट्र पोर्ट ऑफ रबीन द कॉमन डिजर्व द नेम ऑफ द नवासोवा इन द ड्यू टू विलेज ऑफ नवासोवा। अगला जाओ, मरमा गांव। अब इसी को मैं देखता हूँ, इस पे भी ट्रिक बना रखा है कि मुंबई वाला कहाँ पे, महाराष्ट्र में ये वाला, मुझे नहीं लगता इस पे ट्रिक की जरूरत है। हाँ मतलब ये तो अलग बात है, लेकिन लोगों ने इस पे ट्रिक बना रखे, पता नहीं कहाँ क्या क्या, मैं कई बार सर्च करता हूँ कि इस टॉपिक का ट्रिक क्या है तो कुछ कुछ बना रखा है, मतलब खुद ही कन्फ्यूज हो जाए आदमी 4 दिन बाद। लेकिन हम एक बात फिर रिपीट कर दे रहे हैं, आप सबको ऐसे पढ़ना है कि आपको एक साल बाद एग्जाम देना है, तब जाके आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा। जैसे मतलब क्या है कि मान लो 15 दिन बाद आप पूछते हैं आपसे तो कहते हैं सर भूल गए, तो पॉइंट क्या है कि हमने ऐसे पढ़ा कि 2 दिन बाद ही भूलना है, तो ऐसे नहीं, आपने अपना ट्रिक बना के अपना दिमाग को ऐसे मैसेज करके कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद एग्जाम देना है, इसका दूसरा मतलब क्या है, नोट्स बनाना। नहीं तो पढ़ते टाइम लगता है कि हाँ सब समझ में आ ही रहा है, नए नोट्स बनाते हैं तो आपको पक्का लास्ट जब एग्जाम आया था तब सोचते हैं कि अब कैसे रिवाइज करें, तो फिर 50 बड़े बड़े टीचर्स का वीडियो देखेंगे और फिर वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो नोट्स जरूर बनाएंगे। और जब आप आए थे तो हमने 6 रजिस्टर आपको बोला था लेके आने के लिए, तो आप लेके आए होंगे, 4 लाए, कोई बात नहीं 2 और ले लीजिएगा। तो ये कैसा पोर्ट है, नेचुरल दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए कहीं लिखा हुआ है तो लिख लेंगे नेचुरल पोर्ट। हाँ प्राकृतिक बंदरगाह। गर्ल्स कैंपस कब स्टार्ट होगा, नहीं ये सच्चाई बात है, ये बहुत बच्चे पूछते हैं, हम नहीं जवाब दे पाते हैं इसका। हाँ मेरे बच्चों हम सॉरी बोलते हैं इसके लिए, हम नहीं कर पा रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो हमने क्या कहा, मरबा गोवा कहां पर, गोवा में, और ये कैसा प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल पोर्ट है, और किस रिवर पर है, ये क्वेश्चन आ चुका अभी तो, ये जो नहीं ओल्डेस्ट, ये नहीं है ओल्डेस्ट, कोलकाता वाला है, जौरी रिवर पर है, लिख लेंगे जूरी रिवर, जुआरी या जूरी जो भी आपने पढ़ना है, गोवा में जुआ होता है तो जुआ से जुआरी, ऐसे ट्रिक बना करके आपने रखना है। 2 ही राज्यों में देश के जुआ अलाउ है, लीगल है, एक तो गोवा और एक सिक्किम। गोवा में लैंड पे नहीं खेल सकते, सी में खेल सकते, और सिक्किम में लैंड पे भी खेल सकते। हाँ मतलब वो जो कार्गो बोलते हैं या जो भी क्या बोलते हैं, यॉर्ट बोलते हैं, चाहे अमीर अमीर लोग, हाँ शाहरुख खान के बेटे जहाँ पे सिगरेट पी रहा था वो, तो ये हमने कहा कार्गो पे है। ये आप जो करते ओल्डेस्ट नहीं, इसमें क्या कहा गया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ना। देखो भारत का वैसे सबसे पुराना जो पोर्ट माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता में एक सी पोर्ट मिला था कहाँ पर, लोथल, वो माना जाता है। और जब ये पूछा जाए सर्वाइविंग, मतलब जो अभी सस्टेन कर रहा है, वो सबसे पुराना, तो कोलकाता वाला बोलेंगे अभी पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज आए थे वहीं कोलकाता में,
ये भी हमने बता दिया, ये सब जरूरत नहीं है। अगला लिखिए, मंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें लिखने की जरूरत है, सिर्फ ये पॉइंट लेकर के चलना है कि किस राज्य में है। हाँ, एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे लिखो। हाँ, डीपेस्ट वेस्ट कोस्टर्न पोर्ट, पश्चिम का सबसे गहरा बंदरगाह। अब आ जाइए कोच्चि, केरल। अब देखो यह है कहां पर, वेस्ट में, लेकिन क्या बोला जा रहा है, ईस्ट बोला जा रहा है, क्योंकि हम ईस्ट जाने के लिए इसी पोर्ट का यूज कर रहे हैं, तो लिख लेना बेस्ट पोर्ट इन द ईस्ट। वेस्ट मत सोचना, पूरब की तरफ, मतलब एक क्या कहते हैं, उपनाम नहीं बोलते हैं किसी को, सब टाइटल्स। हाँ, तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा कहो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं तो एग्जाम में आगे कंफ्यूज होगी, ये तो पक्का नहीं होगा, ये तो वेस्ट में है ना, अब ईस्ट वाले में दिमाग लगाएंगे और तीन पक्का ईस्ट का ही देगा, तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा कह लो, या ईस्ट की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, या अंग्रेजों के लिए, हम सारा का सारा ईस्ट में ही पड़ रहा है, तो इस तरीके से इन्होंने नाम दिए। नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, तो नेचुरल है लिख लेंगे, प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल। ये आपको जरूर याद रखना है कौन सा नेचुरल कौन सा आर्टिफिशियल। तो अभी तक बताओ तो वेस्ट में हमें कितने आर्टिफिशियल मिले हैं, एक मिला है, कौन सा तो दो मिल गया, कांडला मिल गया और जवाहरलाल नेहरू वाला भी मिल गया, नवासोवा, तो दो रहेगा, ये याद रखना है। तो चार हमें क्या मिल गए, नेचुरल मिल गए। अब हम उस पे करेंगे ईस्ट वाले में, और फिर हम लास्ट में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए पोर्ट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, पूर्वी बंदरगाह। सर एमरीकुरोन आ गया है, एमिक्रॉन, जिंदगी को खुल के जी लीजिए भाई, ध्यान रखिए। हाँ, पहले बहुत डर लगता था, अब हो गया, आएगा देखा जाएगा, सबको वैक्सीन वैक्सीन दोनों डोज लग गया है ना। हाँ, अब वैसे हम लोग इतने पाप किए हैं कि इतनी जल्दी तो हमें भेजा नहीं जाए ना, हमने माँ बाप के भी सपने तक पूरे नहीं किए, तो इतनी जल्दी कैसे ले जाएंगे। बूस्टर डोज आएगा तो सबसे पहले हम ही लोग लगवाएंगे, जब पिछली बार भी आया था तो सबसे पहले हमारे ही बच्चे गए थे, पूरा हरियाणा डर रहा था, हम लोग सबसे पहले जाके लगवा के चले। लिख लो, छह इधर भी हो गए, छह उधर भी हो गए, लेकिन तीन अकेले कहां पे आ रहे हैं, दो तीन तमिलनाडु में, तो सबसे बड़े पोर्ट कहां पे, तमिलनाडु में, और छोटे पोर्ट सबसे ज्यादा कहां, महाराष्ट्र में, वही बताया था छे, ना, पहले था लार्जर पोर्ट में, अभी हटा दिया, जो 12 में इसकी कैटेगरी को हटा दिया गया। कोलकाता याद ही रहेगा हमारा, वेस्ट बंगाल, पारदीप, उड़ीसा, सबको पता है ही, विशाखापट्टनम, हाँ विशाखापट्टनम पता ही है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, और ये तीन आपको तमिलनाडु में, एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन। चल, ये मेनली याद रहना चाहिए किसी स्टेट में, कई बार मैचिंग के लिए आता है, रेलवे में आया था इस बार, एनटीपीसी वाले में, मतलब टीसीएस ही दे रहा है। हाँ? आपको फायदा है उसका, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, और वो सारे क्वेश्चन वही है जो टीसीएस पूछ रही है, जो लोग कह रहे हैं ना कि एमटीएस में बिल्कुल नया आया, सीएचएसएल में नया आया, ऐसा कुछ भी नहीं, 80% क्वेश्चन लगभग उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसीलिए टीसीएस के क्वेश्चन। और इसे एक फायदा और भी हो गया, पेपर आसान हो गया, मतलब अब इतना ही पढ़ना है, पहले कहते बहुत ज्यादा पढ़ना था। तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर,
विशाखापट्टनम, पारदीप, हल्दिया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। पोर्ट ब्लेयर अभी हटा दिया गया है कैटेगरी से। चलिए पहले लिखिए तुतीकोरिन। आर्टिफिशियल नेचुरल कहीं लिखा है? नेचुरल नहीं तो लिख डालिए आर्टिफिशियल पोर्ट, कहीं नहीं है आप लिखिए। यहां है देखिए, अब सुकून आ रहा होगा। ठीक हाँ, इनके ये भी लिख लो, ये भी शायद ये क्वेश्चन आ भी गया कि इनके नाम वाला है। हाँ, बी ओ चिदम्बरम पिल्लई, द लिटिल मैन, नेम अदर नेम पोर्ट नेम, द एमिनेंट फ्रीडम फाइटर हु वाज वेल नोन एज द कोपालिटिया ताजी मिजान, मीनिंग द तमिलियन मैन हु रोड द शिप, ओके, प्रोवाइड द डायरेक्ट वीकली कंटेनर सर्विस टू यूनाइटेड नेशन। ये सब जरूरत नहीं हमारे काम के लिए। किस राज्य में है, क्या नया ना, क्या इनका दूसरा नाम है, और आर्टिफिशियल है नेचुरल, ये तीन बातें आपको याद रखनी। ये आ चुका क्वेश्चन, इसलिए इसको जरूर लिखिएगा। हाँ नहीं नहीं, ये सब पॉइंट नहीं लिखना। अगला लिखो चेन्नई। अब सही आया जो आप पूछ रहे थे, सेकेंड बिजिएस्ट, ये भी आर्टिफिशियल है, मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था। आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। लिख दिए। अगला जी एन्नोर, और यही हमारा पहला और एकमात्र प्राइवेट पोर्ट है एन्नोर। अब ये आइडिया नहीं किसके पास है, होगा वैसे उन्हीं के पास। प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया, और ये किसके तहत रजिस्टर्ड है, कामराजर पोर्ट लिमिटेड। नया नहीं को प्राइवेट पोर्ट को, हाँ हाँ ये लिखना है, कॉरपोरेट सेक्टर के पास है, प्राइवेट क्षेत्र के पास। हाँ लार्जर पोर्ट, जो एकमात्र जो प्राइवेट पोर्ट है, हो सकता है मोदी जी जाते जाते कह दें कि ये एकमात्र जो बचा हुआ है नेचुरल। अच्छा इसमें गलत नहीं है, मान लीजिए कोई जगह यदि घाटा क्या है, जैसे आपका अपना खुद का घर है और वहां से नुकसान हो रहा है, तो आपने लीज पे दे दिया, किराए पे दे दिया, इसमें दिक्कत नहीं है। मालिकाना हक दिया तो सोचने वाली बात है कि हाँ वहां से उतना नहीं आ रहा है तो बेच के हम कहीं और कर लेंगे। तो प्राइवेट होना गलत नहीं है, प्राइवेट के बाद जो पैसा आया कहाँ यूज हुआ। हाँ हाँ स्टेट का अधिकार रहेगा, तो इसमें दिक्कत क्या है। प्राइवेट संस्थाओं का उत्पन्न होना यह साबित करता है कि सरकार ने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया। सरकारी स्कूल अच्छे से काम करते तो प्राइवेट स्कूल नहीं खुलते, सरकारी हॉस्पिटल अपना काम बेहतर करते तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं आते। एजुकेशन ने आपके साथ अच्छा किया होता तो आज यहां पर आप नहीं होते घर परिवार छोड़ करके, तो सिंपल सी बात है और इसमें गलत नहीं। अब ये प्रश्न अपने आप में डिस्कशन का है कि आखिर मुझे 15 साल जो पढ़ाया गया था क्या पढ़ाया गया था, क्यों मैं 15 साल बाद दोबारा तैयारी करने के लिए मुझे 2 साल 3 साल अपने जीवन का खराब करना पड़ रहा। कितना बेहतर होता कि 23 तारीख को मैं डिग्री लेता या 23 साल की उम्र में, और 24 तारीख को मुझे जॉब मिल जाता, तो एक बालक जो पॉजिटिव एनर्जी वाला होता, जिसको अपने फ्यूचर के लेकर डर नहीं होता, देश के प्रति कितना बेहतर समर्पण होता। कब आप खुश रहेंगे, जब अपना फ्यूचर को डर नहीं रहेगा, फ्यूचर पता ही नहीं चल रहा है,
एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, पेपर कैंसिल होगा, कब आएगा, ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, बहुत टेंशन है आपके ऊपर भाई। नहीं फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि मोदी जी पे आपको भरोसा है। हाँ बताइए। हाँ क्यों मोनोपोली करेगा, हम यहाँ मोनोपोली कर पा रहे हैं? नहीं कर पाइएगा अगर ये सरकार कुछ कंडीशन रखेगी, वो आप मानेंगे तभी देंगे। क्या एयरटेल कुछ भी कर लेगा, क्या रिलायंस कुछ भी कर लेगा, क्या लाल किला हमने दे दिया किस ग्रुप को, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या उन्होंने कुछ भी कर दिया? नहीं, हमने लीज पे दिया है, हमने कोई कई रेलवे प्लेटफॉर्म दे दिए, क्या कुछ भी कर लीजिएगा? नहीं, हमने गाइडलाइन दिया है कि जैसा देंगे मकर मालिक ने कि बनवा लो, जो बनवाने लगे जैसा दिया है वैसा लूंगा मैं, क्या उससे बढ़िया बना के देंगे भाई? हैं? हाँ आप जो कह रहे हो ठीक है, वो डर है, लेकिन इस डर से देश नहीं चलेगा ना, सब प्राइवेट करेंगे, देश के लिए जो भी जरूरत होगा हर कुछ करेंगे, बिकने नहीं दूंगा देश को मैं। हाँ अगला, विशाखापट्टनम, तुमने कमो केस करवा दोगे। हाँ अब आ जाइए, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। जब हम लोग 2-2 हजार बैच पढ़ाते थे ना, तो ऐसे ही चिल रह के पढ़ाते थे, तो कैमरे ने हमारा कंसंट्रेशन, या छोटा बैच मिला और थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा हो गया कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है नहीं तो सिस्टम बिगड़ देगा। तो मुखर्जी ने, मैं जो पुराने पढ़े हूँ उनसे पूछना, मतलब मैं देख महसूस करता था कि पूरा बत्रा बढ़ा हुआ है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है पूरे 1.5 घंटे, इतना ट्यूनिंग, उधर से हमला होता था इधर से हमला करते थे, मतलब विचारों का, अब पूरा मजा आ रहा है। अब तो क्या मजा लगे मैं हंस दूं पूरे 1.5 घंटे, या आप हंस दें। तो ये द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये हमारे काम का पॉइंट है, सबसे गहरा बंदरगाह है। इंदौर आर्टिफिशियल था बताया अभी, और ये कैसा है, नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह गूगल पे मैं ढूंढने लगा कि आर्टिफिशियल और नेचुरल का लिस्ट दे दो, सबने कुछ कुछ उल्टा उल्टा लिखा है, फिर एक एक करके सब पे जब काम किया तब जाके फैक्ट मिला। और जब भारत सरकार की वेबसाइट पे किसी ने किसी को नेचुरल दिखा रहा है, किसी ने किसी को भी आर्टिफिशियल दिखा दिया। अगला लिखो, पारदीप उड़ीसा, नेचुरल। सर पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे, कल वाला भी डाल देंगे और आज वाला भी डाल देंगे, और टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा ग्रेट टीचर, उस पर मिल जाएगा, पहले सर्च तो करने दो। हाँ नेचुरल है, और ये और तो इसमें कुछ खास चीज दिख रहा है नहीं, नया नाम तो है कुछ पक्का वो? नहीं, वाइल्ड लैंड का नाम है, हाँ चांदीपुर जहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग रेंज है उसका, पोर्ट का नाम नहीं है, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। बीजू पटनायक चीफ मिनिस्टर उड़ीसा देते, फाउंडर जैसे भी उड़ीसा में जो कुछ हुआ है लगभग उसी परिवार ने किया है। अगला लिख लो, कोलकाता पोर्ट या हल्दिया पोर्ट, हुगली रिवर, ये बेसिकली लिखो फिर समझाते हैं क्या है। इट इज अ रिवेरियन पोर्ट, नदीय बंदरगाह है, क्या मतलब होता है बताते हैं इसका। बांग्लादेश और हमारे बीच में बहुत बड़ा विवाद का आधार है, क्यों है बताते हैं। इसका नया नाम लिख लेना, श्यामा, यस श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ मुर्मा को सी है, वो नदी के किनारे है, नदी पोर्ट नहीं है, ये नदी पोर्ट है, ये बंदर ये सी पोर्ट के किनारे नहीं है, नदी के थ्रू चल रहा, अभी बताऊंगा क्या मतलब। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐश्वर्य अलग चीज है, लेकिन वो जो क्वेश्चन कर, नदी में जा सकते नहीं जा सकते वो नहीं, लिखें फिर बताते हैं, लिख दिए। अब देखिए, एक बंदरगाह होगा जो पूरे साल चलेगा, तो कब चलेगा, जब पूरे साल पानी होगा, तो जितने लगभग सी पोर्ट हैं सारे में
ये दिक्कत नहीं आएगी, 12 मासी चलेंगे। अब ये हमने कहा कि कौन सा से रिवर का नाम बोला था, हुगली। अब हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी समझते होंगे, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, मिल जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है। तो अब ये गंगा से अलग हो गई, तो अलग हो गई इसका मतलब इसके पास थोड़ा पानी कम है, लेकिन ये एक ऐसे लोकेशन पे है जहां पे अंग्रेजों ने इसको बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया आने जाने के लिए। तो कुछ समय तो पानी है तो ये चल रहा है, बाकी समय ये नहीं चलेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया हमने, एक यहाँ बैराज बना दिया, फरक्का बैराज। मतलब क्या है कि हम यहाँ से उठा करके जब वो करेंगे तो पानी का फ्लो हो जाएगा, अदरवाइज हम रोक के रखेंगे उतना, ताकि हमारे पास इतना पोर्ट रहे, पानी रहे, ताकि हमेशा यहाँ सीप चल सके। तो हमने फरक्का बैराज बनाया, और फरक्का बैराज के थ्रू यहाँ पर पानी का फ्लो हमेशा बनाए रखा, और इस तरीके से ये 12 मासी रहती है। इसका बांग्लादेश का आरोप है कि इसकी वजह से हमारे पास पानी कम आता है और हमारे किसानों को सुविधा नहीं मिलती है। तो ये फरक्का बैराज खत्म होना चाहिए। जब बांग्लादेश पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, या शायद पढ़ा भी दिया बांग्लादेश, नहीं पढ़ाया भी तो आएगा तो बताएंगे। बिहार सरकार का भी आरोप है कि इस फरक्का बैराज की वजह से पानी का स्टॉक ज्यादा होता है और हमारे वहां बाढ़ आता रहता है, इसको हटा देना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक डिस्प्यूट का मुद्दा है, लेकिन ये हमारे इकोनॉमी के लिए थोड़ा जरूरी है, इसलिए हम इसको बनाए हुए। ये मतलब होता है रिवेरियन पोर्ट का। तो ये हमारा एकमात्र 12 बंदरगाहों में एकमात्र नदीय बंदरगाह, कोई पूछा जाए तो कोलकाता बंदरगाह है, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, रिवेरियन मेजर पोर्ट, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोलकाता, अराउंड इतना किलोमीटर द सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, रिवेरियन पोर्ट। तो रिवेरियन है तो सोच के बताओ नेचुरल होगा आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल होगा तो लिख लेंगे। ओल्डेस्ट भी बोल देंगे, ओल्डेस्ट है ना, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं बार बार। और कौन बनाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्ट ब्लेयर था, अब नहीं है। मतलब ये हम 13वां लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, वाज लिखा है ना, फिर ठीक है। तो 13th के रूप में दर्जा दिया गया था, फिर हमने इसको दर्जे को समाप्त कर दिया। तो अभी के लिए बस ये जानना है कहां पर है, तो ये अंडमान निकोबार में है, ठीक। 2010 में दिया गया था और 2013 में हमने इसको हटा दिया है, अब इन्होंने हाल ही में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो पुराना हो गया। अब ये आप मुझे एक एक करके आंसर बताते चलेंगे, हो सकता हो कुछ चीज़ें जो हमने नहीं बताई हो तो वो यहाँ पे मिलेगा, तो उसको आपने एडिशनल में लिखते चलना है। हाँ हाँ मीडियम पोर्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है, जैसे लार्जर होने से क्या फायदा होगा, है ना? तो लार्जर होने से फायदा होगा कि उसका टैक्स, उसका डिसीजन मेकिंग, ये सारा का सारा कौन कर रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होगी, और स्टेट का होगा तो उससे आने वाला रेवेन्यू स्टेट रखेगा। जैसे लैंड जो होता है वो किसका होता है, स्टेट का होता है, लेकिन लैंड के नीचे से जो माइनिंग निकलता है वो किसका होता है, सेंटर का होता है नेचुरल। लेकिन कुछ ऐसा मिल जाए जो मैनमेड रखा गया तब स्टेट ले लेगा। मतलब किसी राजा ने बहुत सारा सोना रख दिया है, अब वो निकल रहा है तो स्टेट ले लेगा, और प्राकृतिक है तो सेंटर लेगा। हाँ कह रहे हैं कि तो सबसे बड़ा कौन सा होगा यहां पर, जवाहरलाल नेहरू ही होगा। बताइए पूर्वी तट पर सबसे पुराना, एक मिनट, हल्दिया होना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक, हल्दिया ही, लेकिन इन्होंने गलत दिया है। इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने चेन्नई पोर्ट दिया हुआ है, तो वो तो गलत है ना, आर्टिफिशियल तो है लेकिन ओल्डेस्ट नहीं है।
हल्दिया नेचुरल कहाँ था? अभी तो पढ़ाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। विच पोर्ट इज द नेचुरल हार्बर इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया? वेस्ट में अभी हमने बताया था कि वहां पे दो ही थे आर्टिफिशियल, कोची। क्या ये विशाखापट्टनम वेस्ट में है? नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। एन्नोर है? नहीं है। ये हमने सीखा था आर्टिफिशियल, तो बच कौन सा गया? कोची। मरमा गोवा, गोवा में। नवासोवा आर्टिफिशियल नेचुरल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको परेशान नहीं होना, लेकिन यदि बता देते हैं तो बेहतर है। ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन यदि मन करे तो लिख लें लार्जेस्ट क्वांटिटी। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, इसका आंसर है विशाखापट्टनम और मरमागोवा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको परेशान नहीं होना। हाँ, ये बताना लार्जेस्ट, अब दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा तो विशाखापट्टनम है। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा है? अगर ये याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो कौन सा है? बॉम्बे। सबसे डीपेस्ट तो कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। हिंडरलैंड, एक मिनट, बिगेस्ट। हाँ, ये लिख लेना तो एक बार। हिंडरलैंड का मतलब वही है जनरली, भीतरी बंदर का मतलब क्या? अंदर की तरफ। तो इडन हिंडरलैंड या इंटरलैंड हटा करके वैसे भी बिगेस्ट कौन सा है? बॉम्बे ही है। ये लिख लो एक बार पॉइंट बना करके। सूरत, सूरत। हाँ, मुगल टाइम पीरियड पे वहीं पे, बल्कि उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी बनाई थी। अब नहीं है, अब छोटा मोटा होगा, बड़े में नहीं। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, लेकिन अब खत्म हो गया तो एक क्वेश्चन नहीं करना। काम खत्म। पारदीप, उड़ीसा। अभी बताया था कामराजर पोर्ट। ठीक, एक मात्री था निकम्मे, तमिलनाडु। क्या नाम था? एन्नोर। तो एन्नोर कहां पे? तमिलनाडु में। उन्होंने दिया आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं। बिजेस्ट पोर्ट, इंडियन ओशन में, तो क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। तो इंडियन ओशन सिर्फ भारत का थोड़ी ना है, नाम है भारत के नाम से। लिख लो इस पॉइंट को भी। सिंगापुर। पहले था कि दोनों अलग अलग बुक के रूप में लेके आएंगे। हिंदी में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है। दो पार्ट में बुक होगी, पार्ट ए जिसमें स्टैटिक जीके डिटेल विथ एमसीक्यू होगा, और पार्ट बी सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे, जो ऐसा मार्केट में बहुत सारी बुक हैं। तो थोड़ा अलग करना, हाँ टॉपिक वाइज थोड़ा अलग करना था, नहीं तो
सस्टेन नहीं कर पाते तो दोनों को एक में मर्ज कर दिए, तो अब सस्टेन कर जाएंगे। मैथ वाले में क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज पहले बुक पेपर ला रहे हैं और लास्ट में क्या कर रहे हैं, रेलवे में जो अभी पेपर हुए मैथ के उनको डाल दे रहे हैं मिक्स क्वेश्चन के रूप में, और उनके ऊपर लिख देंगे प्रैक्टिस सेट मिसलेनियस। हम मैथ की बाइलिंगुअल है, नहीं इसमें भी जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू बाइलिंगुअल होगा, थियरी सिर्फ इंग्लिश में होगा, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होगा, फिर अगले साल में एफर्ट करके हिंदी में भी लाएंगे धीरे धीरे, टीम बड़ी करेंगे। तो साउदर्न मोस्ट बेहतरीन क्वेश्चन, तुतिकोरिन था, लिख लो इस पॉइंट को, क्योंकि ये तो हमारे पास पूर्व था ही नहीं, नहीं था, प्रदीप तो हो ही नहीं सकता, विशाखापट्टनम हो ही नहीं सकता, आसान कर दिया, ये तीनों तमिलनाडु के ऑप्शन दे देते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। हाँ इन्होंने डाल देते तुतिकोरिन, हाँ ये लिखो, विच पोर्ट इज नोन एज द ज्वेल्स ऑफ ऑल पोर्ट, सभी बंदरगाहों का गहना किसे कहते हैं, यदि आप विशाखापट्टनम कह रहे हैं तो आप सही हैं, लिख लीजिए। अंग्रेजों ने कह दिया होगा, किसी व्यक्ति ने कह दिया होगा, इसलिए अब एग्जैक्ट क्या है मेरे पास भी लॉजिक नहीं, या तो आयरन और सबसे ज्यादा भेज रहे हैं तो इस सेंस में कहा हो, अच्छा तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ? सोर्स एनर्जी का है कई तरीके से, मैंगलोर किस राज्य में, बेंगलोर पता होगा तो मैंगलोर ही पता होगा, कर्नाटक में, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये लिख लो लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, संघाई, संघाई। आने वाले समय में हम बच्चों को पढ़ाया करेंगे या आपके जनरेशन को आपको पढ़ाना पड़ेगा कि कुछ भी आए ऑप्शन में चाइना हो तो वही इंटरप्रेट करना है, वो इसी पे काम कर रहा है, जीके को कैसे आसान बनाए, हाईएस्ट डीपेस्ट फास्टेस्ट सब कुछ, अभी वर्ल्ड की नंबर वन इकोनॉमी हो गई, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, लेकिन देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, अपने वहां फ्रीडम है कुछ भी कहने का कुछ भी कर लेने, वहां नहीं, हाँ वहां तो बेचारे उसने अली बाबा वाले ने कुछ कह दिया वो गायब हो गए एक महीने के लिए जैकमा, हाँ फिर अब दोबारा नहीं बोलते, और सिर्फ यही कहा था कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी पे थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, अब नहीं आ सकता, नहीं यहां तक आरोप लग गया ना कि एक्वायरी कर लेगी सरकार, तो आदमी ठीक है यार जो करना है करो। हाँ संघाई ओल्डेस्ट पोर्ट कोलकाता पोर्ट, अब बम्बई वाला तो है नहीं ऑप्शन में, तो जवाहरलाल नेहरू 12, अभी देखो अभी पढ़े हो इसलिए आपको आसान है, उस समय मुश्किल लगेगा। तो कल हम लोग क्या टॉपिक करेंगे यदि आप पहले बता दें तो थोड़ा बहुत आप भी पढ़ के आएंगे, थोड़ा बहुत हम भी पढ़ गए, नेशनल पार्क नहीं, जिसने थोड़ा पढ़ाने का ऑप्शन हो, अब नेशनल पार्क में क्या पढ़ा लेगा आदमी, 15 मिनट पढ़ा सकता है ये एक्ट ये अधिनियम वो ये, बाद में तो अभी यही दिखाना पड़ेगा देखो जी ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा, हालांकि वो भी पढ़ाना है लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ऐसा जहाँ पे थोड़ा मजा सा है, रिवर सिस्टम मैंने लगभग छः क्लासेस पढ़ाई हैं रिवर सिस्टम की, और मुझे लगता है मेरे लाइफ की यूट्यूब पे सबसे अच्छी क्लास कोई है तो वही है, खूब मेहनत करते थे रिवर सिस्टम, अवार्ड्स पढ़ा चुके हैं विवेक, अवार्ड्स पढ़ा चुके हैं, चलो कोई बात नहीं कल भी कुछ अच्छा सा टॉपिक वो मैं सर्च करके लेके आऊँगा फिर डिस्कस करेंगे, तब तक लैब जाए हमारे वाटर पॉल निकम में पढ़ाने का सब्जेक्ट है, ढूंढने जो चीज रटना है उसको एक्सेप्ट करके रटना है, इसमें भी देखो ध्यान से पढ़ाने का बहुत कुछ नहीं था, बस आपके सामने से खाका आ गया तो अब इजी हो गया, पढ़ाने के लिए सब है सब पढ़ाऊंगा, वो टेंशन मतलब टाइगर वो भी पढ़ा दूंगा, वाटरफॉल भी पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा ऐसे होता है वो होता है कुछ ट्रिक फ्रिक और स्टेट का मैप वाइज, तो आपको अच्छा लगेगा। तो कल पहले हम शुरू में थोड़ा जैसे कल की क्लास में मुझे नहीं मजा आया था तो इसलिए टेम्पल्स पढ़ा देते हैं, टेम्पल्स नहीं पढ़ा है ना, टेम्पल्स पढ़ा देते हैं, उसमें पढ़ाने के लिए द्रविड़ नागर बेसर फिर गर्भगृह क्या होता है किसके शिखर क्या होता है विमान क्या होता है, तो उसमें आपको मजा आएगा, चलें फिर कल वही पढ़ते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ ऑनलाइन वालों
आप लोग जाएं। जाइए आप लोग। ऑनलाइन वालों, आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम ये कंटेंट अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर श्योर 60 पर डाल देंगे, और कल का टॉपिक का भी असाइनमेंट हम आपको अवेलेबल करा देंगे। चले, और अनअकैडमी पे कोई कोर्स बाय करना हो तो मेरा कोड यूज करके आप परचेज कर सकते हैं, 10% का ऑफ मिल जाएगा। अब हमारी मुलाकात डेली आपके साथ रात को 9:30 बजे हुआ करेगी। अभी 11 बजे फिर अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।